दिस इज अ रिएक्ट जेएस इंटरव्यू, ठीक है। इसमें रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं इनसे पूछूंगा, ठीक है। और ये जो कैंडिडेट हैं ये रिएक्ट जेएस के जो क्वेश्चन मैं इनसे पूछूंगा उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक इंटरव्यूज का सेशन है, ठीक है। ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करके हमारा दिखाने का मेन मोटिव ये है कि जिससे आपको ये समझ में आए कि इंटरव्यू में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको किस तरीके से उसका आंसर देना है, ठीक है। तो दिस इज अ वन टाइप ऑफ लाइव इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन रिएक्ट जेएस के अंदर। इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, तो रिएक्ट जेएस के अंदर के जितने भी आज के डेट में मॉडर्न इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप यदि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। साथ में रिएक्ट जेएस के अंदर इंटरव्यूज में किस तरीके से आंसर देना होगा वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम कैंडिडेट से सुनेंगे रिएक्ट जेएस का क्वेश्चन के आंसर ये कैसे दे रहे हैं, इसके बाद फिर मैं आपको फीडबैक दूंगा कि इन्होंने जो क्वेश्चन के आंसर दिया इसमें कितना प्रॉपरली सही था, ठीक है, क्या क्या इनको उसमें सुधार करने की जरूरत है। मतलब एक तरह से एक इंटरव्यू को क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए और क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो सभी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज आरन गिल्लू। आई हैव डन माय बैचलर डिग्री इन 2015 फ्रॉम आरजीबी भोपाल यूनिवर्सिटी। करंटली आई एम वर्किंग एज अ वन स्टैक डेवलपर। ओके, यू आर वर्किंग एज अ वन स्टैक डेवलपर। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक पार्ट्स। ओके, तो सम क्वेश्चंस बिगिनिंग फ्रॉम बेसिक और फंडामेंटल। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, हाउ टू डिफाइन इट? जावास्क्रिप्ट is a programming language which is used to create okay, now I'm asking another question. What is JSX? JSX is a JavaScript XML which is used to view the HTML pages. Okay, this is used to view the HTML pages. Okay, means what is the means JSX? Where JSX will be used? JSX the browser can only read a object file. JSX can convert this file into another language. Okay, means which library of JavaScript uses JSX? My question is this. React.js. Their answer is that React.js use JSX. Okay, तो देखो इसमें main आपका concern यहीं पर आप देख सकते हो कि जब भी हम interview में कोई question का answer देते हैं तो हमें exact point बताना है, ठीक है। मैंने पूछा कि JSX कहाँ पर use होता है, इसका आंसर होना चाहिए मतलब JSX used on React.js, बस इतना ही बोलना है। मतलब शॉर्ट एंड स्वीट में आपको आंसर देना है, बहुत ज्यादा आंसर को आपको घुमाना नहीं है, क्योंकि जनरली जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो जो मेन चीज है मेन कंसर्न है उस पर आपका फोकस नहीं होता है। आपका मेनली फोकस कहाँ पे होता है, आसपास की पूरी चीजें आप बता दोगे, लेकिन जहां पर मेन जो आपका आंसर देना है वो चीज आप नहीं बताओगे। जैसे इन्होंने जावास्क्रिप्ट डेफिनेशन बताया कि जावास्क्रिप्ट क्या है, तो आपको जावास्क्रिप्ट का बेटर डेफिनेशन ये कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज, ओके, दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म बिजनेस कोड एनिमेशंस एंड डायनेमिक ऑपरेशन अंडर एचटीएमएल वेब पेजेस। ओके, जावास्क्रिप्ट इज द मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टुडे एंड रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एंगुलर जेएस, दीज आर द जावा, दीज आर द लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। यू कैन सिंपली से दैट जावास्क्रिप्ट हैज मेनी लाइब्रेरीज नाउअडेज। ओके, एंड इट इज द मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट सपोर्ट ऊप्स कंसेप्ट आल्सो, ऑल मॉडर्न फीचर्स into of another programming language also supported by the JavaScript. इस तरीके से आप इसके आंसर दे सकते हो। Okay, the next question. What is React life cycle? React life cycle comprises of three stages: initialization, mounting, and updating and unmounting. In initialization, states and props are set in this first life cycle. Second is mounting. When after that, there are two first processes. Component will mount. After that, component did mount.
एंड आफ्टर सेकेंड प्रोसेस इज कंपोनेंट इन माउंटिंग अपडेटिंग देर आर थ्री कंपोनेंट शुड अपडेट कंपोनेंट विल अपडेट एंड कंपोनेंट डिड अपडेट एंड आफ्टर द लास्ट स्टेज इज अनमाउंटिंग वेयर कंपोनेंट डिड अनमाउंट इज प्रोसेस ओके मींस दिस इज अ डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हुक्स इन रिएक्ट जेएस हुक्स वी हैव टू लाइफ साइकिल कंपोनेंट लाइफ साइकिल को अगर फंक्शन कंपोनेंट में अगर आपको करना है तो उसको हुक्स के थ्रू एज अ फंक्शन कंपोनेंट आप अपन यूज करते हैं ओके तो यू कैन टेल मी द नेम ऑफ एनी हुक्स यूज स्टेट यूज रेफ यूज कॉन्टेक्स्ट एंड यूज इफेक्ट ओके तो वेयर यूज इफेक्ट हुक्स मेथड विल बी यूज्ड यूज इफेक्ट फॉर फेचिंग डेटा और वी कैन रीलोड पे भी जब अपने और कुछ दिखाना है डेटा को तो उसको गेट करने के लिए एपीआई के थ्रू अपन उसको गेट कर सकते हैं व्हाट इज द अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ क्लास कंपोनेंट ठीक है यूज इफेक्ट जैसे आपने फंक्शन कंपोनेंट में बना दिया तो क्लास कंपोनेंट में यूज इफेक्ट की जगह में क्या लगाओगे कंपोनेंट डिड माउंट लगाओगे ठीक है यदि मुझे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में नेविगेट करना आई वांट टू नेविगेट फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर तो क्या करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और यूज नेविगेट का भी यूज है पूरा प्रोसेस क्या होगा कॉन्स्ट पहले कॉन्स्टेंट लेना ऊपर यूज नेविगेट का फंक्शन लेना और नीचे जब रिटर्न में नेविगेट करके वो जो लोकेशन आपको देनी है जिस पाथ पे जाना है तो पाथ कैसे बनाएंगे पाथ राउटिंग के तो आपको इनिशियली इसका आंसर यही देना है देखो यही प्रॉब्लम आता है जब भी हम इंटरव्यू देते हैं कि जहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वहां से आप उसका आंसर दीजिए आपको पहले इसका आंसर ये देना है कि फर्स्ट क्रिएट द राउट आर रूट ओके यूजिंग रिएक्ट राउटर नेविगेशन रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी ओके आफ्टर दैट वी विल प्रोवाइड द पाथ अंडर नेविगेट टू मेथड ओके दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट टू मेथड दिस अप्रोच यू कैन फॉलो ठीक है सिंपली आई वांट टू कॉल वन कंपोनेंट टू अनदर आई हैव टू कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट आई वांट टू कॉल बी कंपोनेंट टू ए कंपोनेंट देन व्हाट यू विल डू वी कैन यूज प्रॉप्स मेथड What is the syntax of it? Syntax is a first अपन function लेंगे उसका return and then जो component अपन child component को से अगर अपने वो करना है as a props तो वो उसको अपन पहले export करेंगे child component को और वही component अपन उसमें export कर देंगे वहाँ import कर देंगे तो वो और बाकी export default करके get कर देंगे स्टेटलेस कंपोनेंट एंड स्टेटफुल कंपोनेंट क्या होता है स्टेटलेस कंपोनेंट मतलब फंक्शन कंपोनेंट को बोलते हैं क्या अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को बोलते हैं स्टेटलेस और स्टेटफुल स्टेटलेस कंट्रोल कंपोनेंट्स स्टेटलेस होता है कंट्रोल कंपोनेंट अच्छा अच्छा और अनकंट्रोल्ड स्टेटफुल होता है फंक्शनल क्लास होता है फंक्शनल क्लास की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं आई एम आस्किंग अबाउट कंट्रोल्ड कंपोनेंट एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट व्हिच इज स्टेटफुल एंड व्हिच इज स्टेटलेस कंट्रोल कंपोनेंट में स्टेट यूज होता है अनकंट्रोल्ड में रेफ यूज होता है तो वही तो पूछ रहे हैं तो इसमें आप बता सकते हो ना कि अनकंट्रोल्ड जो होता है वो स्टेटलेस होता है और कंट्रोल्ड स्टेटफुल होता है ठीक है इस तरीके से आप इसका आंसर दीजिए कब वेयर यू विल यूज अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट एंड वेयर यू विल यूज कंट्रोल कंपोनेंट कंट्रोल कंपोनेंट यूज स्टेट्स में यूज स्टेट के थ्रू यूज करते हैं अनकंट्रोल्ड में यूज रेफ के थ्रू कहां पर यूज करना है मेरा प्रश्न ये है माय क्वेश्चन इज दिस इन विच सिचुएशन यू विल यूज अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट एंड इन विच सिचुएशन यू विल यूज कंट्रोल्ड कंपोनेंट
ऐसा कोई रियल टाइम सिनेरियो बता सकते हो? रिएक्ट फ्रॉम रियल बोलिए कहां पर यूज करेंगे? ठीक है, जहां पर आपको ओल्ड मतलब ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट अप्रोच यदि आपको यूज करना है। ठीक है, जैसे क्या रहता है कि जब हम स्टेट मैनेजमेंट करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपका डायनेमिकली डेटा आपका इंप्लीमेंट होता है तो स्टेट को रिफ्लेक्ट स्टेट में चेंजेस करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। जैसे आप एक ही व्यू के अंदर आप उसी में फाइंड भी कर रहे हो और वहीं पे अपडेट भी कर रहे हो तो दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्शन हो सकता है, तो उस केसेस में अनकंट्रोल्ड यूज करेंगे। ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट मैकेनिज्म के लिए अनकंट्रोल्ड यूज होता है, और यदि आपको मॉडर्न मतलब हर HTML फॉर्म एलिमेंट का एक सेपरेट इवेंट यदि आपको बनाना है, सेपरेट इंडिविजुअल इंटरेक्शन करना है, तो वहां पर आपको कंट्रोल्ड का यूज करना होगा। ठीक है, इसके बाद रिडक्स क्या होता है बताइए? रिडक्स रिएक्ट.js का एक फॉर्म है जहां पे चार टाइप से उसकी प्रोसेस रहती है, जहां फर्स्ट इज UI जो रहता है, पहले UI से डेटा को अपन गेट करते हैं, देन आफ्टर दैट एक्शन के बाद फिर रिड्यूसर एंड देन स्टोर, ये चार प्रोसेस बन के रिडक्स की प्रोसेस पूरी होती है। कहाँ पर हम यूज करते हैं रिडक्स का? रिडक्स का React.js में यूज होता है। कब करेंगे? जैसे करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो जब बड़े एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे आपके पास 100 कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट आपको तब 100 कंपोनेंट्स यदि आपने उसी में व्यूज बना दिया तो आपका पेज का रेंडरिंग क्या हो जाएगा? आपका स्लो हो जाएगा। इसको परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? रिडक्स यूज करते हैं। रिडक्स एक्चुअली क्या है? दिस इज अ वन टाइप ऑफ डिजाइन पैटर्न। ठीक है, ये भी एक सेपरेट लाइब्रेरी है। ठीक है, जिसके जो अपन रिएक्ट में भी यूज कर सकते हैं और ये जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे अलग अलग टाइप के लाइब्रेरीज में भी यूज होती है। ठीक है, तो रिएक्ट में रिएक्ट रिडक्स यूज होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी आपका जो फीडबैक मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि आपको अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है आपका बहुत ही कम है। आप जब भी कोई क्वेश्चन बोले, आप कोई क्वेश्चन का आंसर जो दे रहे हैं भले वो सही भी है तब भी आपको कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कंफ्यूज हैं। तो देखो इस तरीके के यदि आपको वेस्टरिंग यदि आप इंटरव्यू में दिखाएंगे तो समस्या ये आएगी कि इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप जो क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं उसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं है। सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। ठीक है, दूसरा ये है कि जब भी आप क्वेश्चन के आंसर दें तो एग्जैक्ट दें, थोड़ा सा भी आपको अपना नॉलेज लेवल भी बढ़ाना होगा। आपको भले प्रैक्टिकल नॉलेज हो पर इंटरव्यू में फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना वो जो आप बोलते हो वही होता है, क्योंकि सामने वाला शुरुआत में मशीन टेस्ट तो लेगा नहीं। ठीक है, शुरुआत में आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स जो आप दे रहे हो इनको भले अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन यही होता है। ठीक है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है, तो ऑल ओवर जो आपका स्कोर है आउट ऑफ 10 यदि मैं आपको दूंगा तो मैं आपको 4 या 5 स्कोर ही आपको दे पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर आपने दिए हैं लेकिन उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं। ठीक है, तो ये इंटरव्यूज देखो ऐसा है कि ये मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इनको इनका फीडबैक आपको नहीं देखना है, आपको अपना फीडबैक भी देखना है। जैसे मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर आपको कितना पता है, और आप क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, पता होना और इंटरव्यू में बोलना दोनों बात बिल्कुल अलग अलग है। तो हम इनका नॉलेज लेवल चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं जिनको बहुत नॉलेज है लेकिन इस सीट पे जैसे वो बैठते हैं तो वैसे ही बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है उनके दिमाग से स्किप हो जाती है। तो ये समस्या सभी के साथ होती है। तो आपको अपना टेस्ट करना है कि जो जो क्वेश्चन मैंने आंसर इनसे पूछे उनका आंसर आपको कितना पता है और आप कितने लेवल में उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस इंटरव्यू का मोटिव बस यही। थैंक यू।